तो फिर पाकिस्तान इज आल्सो ऑन 6 पॉइंट्स तो फिर रन रेट हमारा रन रेट कुदरत का निजाम है कुछ भी हो सकता है सर देखिए फिर अल्लाह करे कुदरत का निजाम जो है वो हमें फेवर करे क्योंकि इस वक्त तो हम लोग 0.7 पे और इंडिया 0.8 पे सो यू नेवर नो देखिए इंडिया को वैसे बांग्लादेश हरा सकता है अच्छा हराया हुआ है पास क्रिकेट है भाई कुछ भी हो सकता है हो सकता है जिम्बाब्वे अगर हमें हरा सकता है तो बांग्लादेश इंडिया को क्यों नहीं ये देखिए वी कैन एक्सपेक्ट दोस थिंग्स ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी देखो एज पाकिस्तानी वी शुड एक्सपेक्ट दैट कोई अच्छा गुमान रखे कोई एक अच्छा सा होप फॉर द बेस्ट कोई मेरे लेकिन सारा काम अगर कुदरत ने कर रहा है तो हमारे लड़कों ने क्या करना है पहले तो अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी सिंपल इज दैट सनी भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे आज क्रिकेट हमारी विश के मुताबिक चल रही होती बांग्लादेश के मैच से पहले ही पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन है बड़ा फनी लगा हालांकि थोड़ा सा लाइट वे में बात हुई है बट ऐसी बात हो रही है कि भारत को बांग्लादेश हरा सकता है और लास्ट जो 2016 का मैच था उसका रेफरेंस दिया जा रहा है आपको याद होगा लास्ट 2016 में बेंगलोर में क्या हुआ था ऐसा लगता है यार वो मैच अभी हुआ था यार 2016 छः साल पहले लगभग वो मैच हुआ था और इसी दिवाली के टाइम पे हुआ था मुझे ये भी याद है बट सीरियसली टाइम कितना तेज़ी से गुजरता है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी मैच हुआ था विराट कोहली उस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं वीडियो के लास्ट में करते हैं ये बात प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैं मिलता हूँ पहले हम पॉइंट्स टेबल की बात कर रहे थे ग्रुप विके भाई ने हमें एक्सप्लेन कर दिया समझा दिया है डॉक्टर साहब ये दूसरे ग्रुप में क्या होगा सर देखिए अभी दूसरे ग्रुप में अगर हम देखें तो सारी टीमें तीन तीन मैचेस खेल चुकी है और साउथ अफ्रीका जो है वो 5 पॉइंट्स पे है अनफॉर्चुनेटली इनका पहला मैच जो था वो वॉश आउट हो गया रेन आउट हो गया था उसके बाद इंडिया भी 3 मैचों में से 2 मैच जीता हुआ है बांग्लादेश भी 3 में से 2 जीता हुआ है और पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पर है जिम्बाब्वे के भी 3 पॉइंट्स हैं इधर टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी बहुत फेवरेबल जो है वो है इंडिया और साउथ अफ्रीका के लिए उसकी वजह यह है कि साउथ अफ्रीका का एक मैच नीदरलैंड के साथ है एक पाकिस्तान के साथ विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह हम अगर साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं तो हम लोग 4 पॉइंट्स पे आ जाएंगे चार उसमें और 4 मैचों में जो साउथ अफ्रीका वो भी 5 पॉइंट्स पे होगा लेकिन क्योंकि उनको नीदरलैंड के साथ खेलना तो दे कैन ऑलवेज विन दैट गेम और वो 7 पॉइंट्स पे और अगर बारिश भी हो जाती है तो 6 पॉइंट्स पे उनका रन रेट बहुत ज़्यादा काउंट करेगा पाकिस्तान को अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि इंडिया को अपने जो 2 मैचेस खेलने हैं एक उनको नीदरलैंड के साथ खेलना और एक उनको बांग्लादेश के साथ नहीं नीदरलैंड से वो खेल चुके हैं जिम्बाब्वे से खेल जिम्बाब्वे और बांग्लादेश जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के साथ खेलना सो यू नो दे आर ऑल्सो इन अ रन के जिधर उन्हें पता है कि उनको एक मैच जीतना और थोड़े अच्छे रन रेट से जीतना है वेयर दे विल बी एबल टू बीट द रन रेट ऑफ पाकिस्तान और अगर उनके दोनों मैच में बारिश हो जाती है इंडिया के स्टिल दे आर ऑन 6 पॉइंट्स और पाकिस्तान दोनों जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान इज ऑल्सो ऑन 6 पॉइंट्स फिर रन रेट कुदरत का निजाम है कुछ भी हो सकता है सर देखिए फिर अल्लाह करे कुदरत का निजाम जो है वो हमें फेवर करे क्योंकि इस वक्त तो हम लोग 0.7 पे और इंडिया 0.8 पे सो यू नेवर नो देखिए इंडिया को वैसे बांग्लादेश हरा सकता है अच्छा हराया हुआ है पास क्रिकेट है भाई कुछ भी हो सकता है हो सकता है जिम्बाब्वे अगर हमें हरा सकता है तो बांग्लादेश इंडिया को क्यों नहीं ये देखिए वी कैन एक्सपेक्ट दोस थिंग्स ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी देखो एज पाकिस्तानी वी शुड एक्सपेक्ट दैट कोई अच्छा गुमान रखे कोई एक अच्छा सा होप फॉर द बेस्ट लेकिन सारा काम अगर कुदरत ने कर रहा है तो हमारे लड़कों ने क्या करना है पहले तो अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी सिंपल इज दैट सनी भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे काश क्रिकेट हमारी विश के मुताबिक चल रही होती काश क्योंकि ये मैचेस जो हैं ये इंडिया एशिया में नहीं हो रहे ये हम बार बार कहते हैं तो बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो मेरा ख्याल है वहाँ उनको इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है आपने अच्छा। कल की उनकी परफॉर्मेंस गो की अच्छी नहीं थी आउट हुए मगर उन्होंने फाइट किया उनके एंड तक बैटिंग है अगर आप कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ तो वो तो फिर यार बहुत ही गंदा दिन होगा तो आप जीत सकते हैं जैसे हमारा जिम्बाब्वे के साथ ऐसा कोई गंदा हो सकता है ना जिम्बाब्वे के साथ तो हमारी बैटिंग नहीं है ना आप ये एक चीज़ नोट करो कि हमारे नीचे लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन है वो आप इंडिया के साथ कंपेयर करते हो आप ऑनेस्टली बताओ आप इंडिया के साथ कंपेयर करते हो आप नहीं करते लेकिन आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया के भी ऊपर के बैट्समैन हैं दोनों वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर वो अर्ली ऑन विकेटें ले सकते हैं तस्कीन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है मुस्तफीज फॉर्म में वापस आ गया मैदी अच्छी बॉलिंग कर रहा है अगर आप बात करें ना देखो इसमें कोई शक नहीं हार तो
बांग्लादेश हरा जरूर सकता है इंडिया को, लेकिन ऑन कार्ड्स अगर मैं देखूं या ऑन कार्ड तो आप मैं देखूं तो मैं नहीं कर सकते ना, मैं तो एक क्रिकेट बांग्लादेश जो हो सकता है वो बांग्लादेश का जो बॉलिंग लाइनअप है ना, दैट इज नॉट दैट मच ऑफ एन अटैकिंग, लेकिन स्टे पॉजिटिव वहां भाई। नहीं हम तो हैं, हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान देखे, सबसे पहले तो ये है कि जो पाकिस्तान का 3 तारीख को मैच है, रिगार्डलेस जो भी हो रहा पाकिस्तान वो मैच जीते ताकि हम थोड़ा सा और करीब आए चीजों के, फिर उसके बाद अगर लेकिन विकी भाई देर हो गई, जो करीब आने के जो मौके थे, बाबर ने खुद कहा कल के मैच के बाद, नीदरलैंड वाले मैच के बाद, कि हम इससे बेहतर जो है वो चेस कर सकते थे, इससे अच्छा जा सकते थे। हाँ उन्होंने कहा एक्चुअली देखें ये जो बातें हैं ना, ये एक आम पब्लिक करे ना तो समझ आती है, एक जो क्रिकेट को अंडरस्टैंड करता है, क्रिकेट को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि हम डिजर्व करते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए हम डिजर्व ही नहीं करते। इवन मेरा ख्याल आई एम सॉरी कि लोग माइंड करते हैं कि हम क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमने क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में, जो हम छोटी छोटी टीमों से हारे हैं, हम चेज नहीं कर पा रहे, सिवाय हमारी बॉलिंग थोड़ा सा आपको फिर भी एक पॉइंट ऐड जी 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 असल में हमारा जो पहला कप था ना वो भी इसी तरह निकला ना, ये हो गया वो हो गया, बारिश हो गई, वो तो वो लोगों की आदत सी बन गई है कि इसी तरह पहुंचे, कुदरत ले जाएगी बाकी आखिर में हम खेल लेंगे। यार ये आम पब्लिक के लिए तो ठीक है, मगर एज ए प्रोफेशनल जो हम लोग खेले हुए हैं, हमें दूसरी टीम को देखना चाहिए कि वो कैसी है। हाँ अंधे हो जाएं तो दूसरी लेकिन जो रात को क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने खेली है, मुझे मतलब इस टाइम तो जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है ये 70-30 परफॉर्मेंस है साउथ अफ्रीका जो दे रहा है और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं आप देख ले। मैंने भी 70-30 का, लेकिन मैंने पाकिस्तान को 70 का। आपने पाकिस्तान को वो आपकी नहीं, तो आपकी नजर है, आप दूर तक देख सकते होंगे, लेकिन मैं नहीं, तो मेरे ख्याल आज आपने ऐनक नहीं पहनी हुई है, गलत स्पीकर पड़ गया आज ऐनक नहीं पहनी, आई थिंक ये ग्लासेस नहीं लाए। नहीं जो कल की साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस है उसके कैसे लोग हैं जो उनकी बोली बेइज्जती करी जा रहे हैं, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूं, पाकिस्तान की सपोर्ट करने में आपकी बेइज्जती नहीं हो रही, सपोर्ट आप दूर देशी पे सपोर्ट पे बात करें आप, ऑन जैसे अभी आपने बात की ना कि आप अगर ऑन कार्ड देखे तो इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते, कोई शक नहीं है कि मेरी भाई मेरी बात, क्रिकेट साउथ अफ्रीका इस वक्त खेल रही है, अगर दो टीमों को हम नाम करें ना पूरे इस वर्ल्ड कप में जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका यस, तो मैंने उसी बेसिस पे कहा है कि जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेल रहा है तो इस टाइम क्योंकि हम बहुत अंडर प्रेशर है, कल हमने अपनी बैटिंग भी देख ली नीदरलैंड के खिलाफ, जो हमारी अप्रोच है और साउथ अफ्रीका की अप्रोच है जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, तो मैं उसको देखते हुए कह रहा हूं कि अभी तो जो हमारा मैच है हम तो बहुत दूर की सोच रहे हैं, कल तो हम सूर्य कुमार यादव से कंपैरिजन कर रहे थे ना, देखें आज टकर ने भी जो रोल पड़ा जब जरूरत पड़ी तो उसने 48 बॉल पर 71 किया, हमारा ये माइंडसेट ही चेंज नहीं होता, हमारी जो नेचुरल गेम है उसी में फंसे रहते हैं। विकी भाई आप कह रहे हैं ना कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें, आप पे तनकीद हो रही है, अब जरा इस तरफ देखिए ये मुस्कुरा यार, आप अपने मिडिल ऑर्डर को किसी भी यार अच्छा वाला सवाल सलीम भाई, टॉप टीम्स के सारा मोमेंटम का है, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही क्या ये टीम सेमीफाइनल तक जाती हुई अच्छी लग रही थी, जा सकती थी एज अ क्रिकेटर? सर देखिए अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एज अ क्रिकेटर आप मेरे से पूछेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली नहीं, अगर आप एज अ क्रिकेटर मेरे से पूछे व्हाट वी वर मेंट टू डू, हम उसके कहीं आसपास भी नहीं, और दैट हैव शोन दैट कि हम अगर अच्छा खेल रहे होते तो आज हम इफ एंड बट्स पे ना फंसे, दैट इज़ समथिंग जो कि रियलिटी है और उस रियलिटी को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हाँ ऑप्टिमिस्टिक होना एज अ पाकिस्तानी, एज अ फैन, एज अ प्लेयर, डायहार्ड पैट्रियट होना वो अलग बात। आप क्या कह रहे हैं? देखिए जो अच्छी टीमें होती हैं ना, हम यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहे हैं, राइट, कि इनके लिए ये कंडीशंस डिफरेंट है। लास्ट ईयर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों नहीं थी डिफरेंट, दुबई में खेले इंडिया और पाकिस्तान को फाइनल खेलना चाहिए था, वो क्यों खेले? क्यों खेलने जो अच्छी टीमें होती हैं, लेके आते जो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करती हैं, वो किसी भी कंडीशंस में खेल लेती हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअली फर्क पता क्या आ गया है, क्यों वो बेहतर खेल रहे हैं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, उनके मोस्टली प्लेयर अब आके लीग खेलते हैं यहाँ, और चूँकि आप अगर बहुत पीछे चले जाएँ ना तो हुआ ये करता था कि हम लोग जब ये एशिया में टूर करते थे तो हम 100-150 में इनको आउट कर लेते थे, क्योंकि स्पिन विकेट बनाते थे हमें और हम लोग उनको समझ ही नहीं आती थी क्योंकि वो कभी खेले नहीं थे इधर आके,
अब चूंकि वो यहाँ लीग खेलते हैं क्रिकेट, उनके अच्छे प्लेयर आके खेलते हैं, इसीलिए उनके बोर्ड्स उनको इजाज़त देते हैं जब PSL होती है या इंडिया की लीग होती है कि जाके आप खेलो, क्योंकि उनको भी पता हमारे प्लेयर्स को यहाँ पे एक्सपोजर वापस बोर्ड के पास नहीं। वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों बेहतर हो गए हैं वो, चूंकि हम खेल रहे हैं, हमें भी चाहिए जब ऐसी विकेटें बनाए ना फिर यहाँ पे। नहीं आमिर, हमारे यहाँ हमारा सॉइल ऐसा है कि हमारी वैसी विकेटें बन नहीं सकती। आपने भी इतनी देर हो गई है, आपने कोई विकेट ऐसी देखी है जिसपे बहुत ज्यादा बाउंस होता है? लेकिन यहाँ पे ये होता है कि फर्स्ट क्लास में हल्का सा ग्रासी विकेट बनता है ना, रिपोर्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन है आपको। जी जी बताएं। आमिर को भी है, दुनिया में ये जितने भी प्लेयर्स हैं, जितनी भी क्रिकेट है, आपने एज अ बैट्समैन आपने सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली, हमें तो उतना नॉलेज नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि क्या वाइट बॉल क्रिकेट खेलने से जिन चीज़ों की या जिन फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में हमें मिसिंग नज़र आ रही है, जो कि हमें दूसरी टीमों के लड़कों में नज़र आता है, वो पूरा हो जाएगा सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट खेल के? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। आपकी देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात ये वहाब, आप मैं ये कहता हूँ कि हमें जाके हमारे प्लेयर्स को ना ज़्यादातर जाके उनके यहाँ भी लीग खेलनी चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए। आई डोंट नो कि अब वो शायद सेलेक्ट नहीं करते आप लोग बात सिर्फ इतनी से कि ग्रास रूट लेवल पे जब तक हमारे लड़के, अगर आप टक्कर की बात करें ना, मैंने टक्कर का रिकॉर्ड नहीं देखा डोमेस्टिक रिकॉर्ड, अगर आप उसका, वो भी मिडल ऑर्डर बैट्समैन, आप हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैनों के भी निकाल दें, मेरे ख्याल है स्वाय इफ्तिखार के हु हैज कंसिस्टेंटली प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसके अलावा अगर आप हमारा मिडल ऑर्डर निकालें तो हमारे मिडल ऑर्डर के लड़कों में आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। देखिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या करती है? फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये करती है कि एज अ बैट्समैन सिचुएशंस डिफरेंट होती है। एक टाइम पे आप आते हैं जिधर आपको नया बॉल खेलना पड़ता है, एक टाइम पे आप आते हैं पुराना बॉल खेलना पड़ता है, एक टाइम पे आप आते हैं आपको दोपहर वाला एक मिडल सेशन खेलना पड़ता है, उसके बाद प्रेशर डिफरेंट होता है। किसी दिन आपकी बारी आती है जब आपके 200 पे दो लगे होते हैं, किसी टाइम आपकी बारी आती है जब आपके 50 पे चार लगे होते हैं। सो वो सिचुएशंस में से निकलना, उस प्रेशर को ऑब्जर्व करना, उसको अपने ऊपर लेना, सीखना पड़ता, उसके बाद उससे खेल निकल के खेलना, टीम को अपनी मैच जितवाना, चीजें करना, वो भी तो चीजें एक्सपीरियंस आएगी ना। तो फर्स्ट क्लास, तो आप फर्स्ट क्लास के मैचेस निकाल लें जिन जिन प्लेयर्स पे भी हम बात करें। आप सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे थे कल, आप उसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि अदाकारी के कितने नंबर देंगे यार, मुझे कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं नजर आई। हाँ, बहुत ही बुरा हुआ है। 2019 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भी उनके पास ऐसा ही मौका एक आया था कि वो इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, अगर आखिरी मैच था जिसपे सारे लोग रिलाय कर रहे थे, पूरा हमारा भी इनसार था कि जी अगर इंडिया जो मैच ये जीत जाता है तो। लेकिन अगर बात करें इंडियन टीम की परफॉर्मेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज की, उनकी इंटेंट की, वो एग्रेसिवनेस हमें उस तरह से नजर नहीं आई। इंडिया ने पूरी अवाम, पाकिस्तानी अवाम को आंखों में और उनके दिल तोड़ दिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को आज बाहर निकाल के टूर्नामेंट से, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जानबूझकर ये मैच हारा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस तरह से खेलने में। उन्होंने प्लेट में रख के ये मैच उनको दे दिया। ऐसा वैसा पानी दे रहा है। मैं कहता हूं इंडिया ने ये प्रॉपर एक स्क्रिप्टेड पानी फेरा है, एक ऐसा स्क्रिप्टेड पानी फेरा है जिसमें मैं अफसोस इस चीज का। इंडिया को क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान वायर हो गया, और क्या चाहिए? भारत ने फिर से पाकिस्तान के साथ जो है वो खेल खेल लिया। इंडिया तो ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। इंडिया ने तो बाकी अपने सारे मैचेस विन किए हैं, अगर वो एक हार भी जाए उसको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान वो सारा कुछ होता है, कोहली का कैच ड्रॉप, कोहली का ड्रॉप, और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो मुझे बड़ी हैरान कुन तौर पे, मैं पूरे मैच में सबसे ज्यादा मैंने ऑब्जर्व की उनकी बॉडी लैंग्वेज की। और आधे का अच्छा, साउथ अफ्रीका का मुकाबला है नेदरलैंड से, दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब पाकिस्तानी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका हार जाएगा, फिर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होना है, वो भी पता नहीं क्या होगा। मतलब इंडिया और जिम्बाब्वे खेलेंगे, लोग ये भी रख रहे हैं कि जी जिम्बाब्वे जो है वो हार जाएगा जिम्बाब्वे से। भाई छोड़ दो ना, ऐसी ख्वाहिशें क्यों रख रहे हैं, छोड़ दो, कोई और काम कर लो। लोगों की भी बस ख्वाहिशात, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वाला मामला है। लेकिन फिलहाल तो ये है कि जी वहां से ऑस्ट्रेलिया से हमारी टीम कब निकले ये देख रहे हैं। अब इसका सामान लेके कब निकले? कब भी निकले जी। इंडिया जो
हार गया उस पे भी आपको कैसे लगा जो मुझे लगा कर जी मैं कल बैठा मैच देख रहा था और जब चौके और छक्के लगना शुरू हुए हैं तो उसके बाद जो दुआएं ये थी कि इंडिया जीत जाए उसके बाद ये डिस्कशन हो रही थी कि अच्छा अभी भी 0.00001% चांसेस हैं क्या पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंच के। हार जीत तो चले एक सेपरेट चीज है और कैचेस भी ड्रॉप होते हैं, रन आउट भी सीधे सीधे मिस होते हैं, सारा कुछ होता है। कोहली का कैच ड्रॉप, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो मुझे बड़ी हैरान कुन तौर पे मैं पूरे मैच में सबसे ज्यादा मैंने ऑब्जर्व की उनकी बॉडी लैंग्वेज की और क्या कमाल एक्टिंग की सोशल मीडिया पे ना सोशल मीडिया पे यही बातें हो रही है क्या कमाल एक्टिंग की इंडियन टीम ने। यस ये इसमें अगर थोड़ा सा मैं रिकॉल करूं तो 2019 के अंदर भी ऐसा सिनेरियो बना कि पाकिस्तान रन रेट की वजह से बाहर हो रहा था सेमीफाइनल की दौड़ में से, तो भारत अगर जीत जाता मैच तो हम पहुंच सकते थे। और क्या इसी तरह की स्लो बैटिंग धोनी साहब ने की तब जो हम सबके फेवरेट है। यस बिल्कुल, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। मिसाल माजी में भी मिलती है। जी माजी में मिलती है, तो उस पे बहुत ज्यादा डिबेट तभी हुई, बहुत ट्रोलिंग हुई इन पे कि ये क्या गेम की स्पिरिट के अगेंस्ट है। अगर आप देखें इंटेंशन तो आप किसी की चेक नहीं कर सकते क्या है, बट हमें जो इंटेंट थी ना वो नजर आई कि उसमें कोई विल नजर नहीं आ रही, कोई अग्रेसिवनेस नजर नहीं आ रही ना बैटिंग के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको पता है इक्वेशन क्या है, इक्वेशन सिंपल है, भारत को दो में से एक मैच हारना है या दोनों हारना है। तो क्या होगा, होगा ये पाकिस्तान अपने बचे हुए मैच जीतेगा तो उसको आगे जाने का मौका मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, भारत के जो दोनों मैच हैं वो जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से हैं, तो जिम्बाब्वे से अगर भारत हारता है तो जिम्बाब्वे को भी फायदा होगा, जिम्बाब्वे के पास भी चांस है आगे जाने का, सेमीफाइनल में जाने का, और बांग्लादेश के पास भी चांसेस है। तो बांग्लादेश का एक मैच बचा हुआ है पाकिस्तान से और भारत से, और जिम्बाब्वे का एक मैच बचा हुआ है भारत से साथ साथ नीदरलैंड से, तो आप समझ सकते हो। और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका को भी अभी एक मैच जीतना है, तो नीदरलैंड से उनका मैच है और एक मैच है उनका पाकिस्तान से। और भारत के मैच में कल के में बहुत कम चांसेस है भारत बारिश के, लेकिन हैं थोड़े से, पाकिस्तान के मैचेस में बारिश के ज़्यादा चांसेस हैं। तो सीन आप समझ सकते हो इंटरेस्टिंग है। जैसे वो वाला ग्रुप है, उस दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया फंस गई है। अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अगर अपने बचे हुए मैच बस जीत बस जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो एक मैच एक टीम का है आयरलैंड से और एक का है श्रीलंका से। तो ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से तो इस वर्ल्ड कप से हो चुका है पूरी तरह से आउट, और बारिश वगैरह हो गई तो इक्वेशन चेंज हो सकती है, बट लॉजिकली तो आउट हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप लॉजिकली देखें तो साउथ अफ्रीका और भारत के पास सबसे अच्छे चांसेस हैं, फिर बाकी टीमों के पास भी चांसेस हैं नीदरलैंड को छोड़कर। तो ये है ग्रुप की कंडीशन। अब बांग्लादेश को लाइटली नहीं ले सकते आप, क्यों नहीं ले सकते, लास्ट टाइम इंडिया की टीम बहुत अच्छे फॉर्म में थी, आपने देखा होगा वो मैच, वर्ल्ड कप 2016 टी20 वर्ल्ड कप लास्ट हुआ था, मतलब इसके पहले 21 में हुआ था, उसके पहले जो हुआ था 2016 में, मुझे ऐसा लगता है यार कि वो वर्ल्ड कप कितना मतलब अभी हुआ था, कितने जल्दी ये समय गुजरा है कुछ पता नहीं चलता है यार, बहुत जल्दी समय गुजरा जब से सोशल मीडिया और मोबाइल आए हैं, इंसान को टाइम का पता नहीं चलता, इतना टाइम इसमें मतलब बहुत जल्दी गुजर गया वो समय। मुझे ऐसा लगता है कि एमएस धोनी ने अभी कुछ ही दिन पहले रन आउट किया था बिल्कुल, तो मैच पूरा याद है वो। आपको पता है कि इंडिया ने स्टार्टिंग में बैटिंग करते हुए कोई अच्छा टारगेट सेट नहीं किया था, 150 से ऊपर कुछ रन बनाए थे, फिर हुआ क्या हुआ, ऐसा कुछ कि अश्विन ने शायद तमीम इकबाल को आउट किया था, बड़ा पहला विकेट बहुत देर में मिला था, फिर मैच फंसता गया, इंडिया बहुत बैकफुट पे था, लास्ट ओवर आया, लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या का वो शायद डेब्यू ईयर था, उस ओवर में हार्दिक पांड्या को डिफेंस करने थे कुछ 10 या 12 रन, जिसमें मुस्तफिजुर रहीम ने चौका मारा, फिर पीछे मारा, फिर आउट हो गए, 3 बॉल 2 रन आए, महमूद अल्लाह मार रहे हैं हिट, छक्का, जडेजा ने एक बहुत बेहतरीन कैच लिया, उसके बाद सीन क्या होता है, उसके बाद सीन होता है 2 बॉल पर 2 रन, एमएस धोनी बॉल मतलब उसको क्या जो भी बैट्समैन थे उसको बॉल डालते हैं वो बीट होता है, फिर एमएस धोनी अगली बॉल में उसको दौड़कर रन आउट कर देते हैं, इंडिया एक रन से मैच जीत जाता है, ये था सीन। तो यार अब बांग्लादेश को आप लाइटली नहीं ले सकते, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उसमें मैच विनर प्लेयर हैं और इंडिया बांग्लादेश के मैच अक्सर फंसते हैं। पता नहीं वो एक ट्रॉफी हुई थी निदा जिसमें दिनेश कार्तिक ने वो लास्ट ओवर में फिनिश किया था, हालांकि उसमें आपको याद होगा कि वो मैच इंडिया की रेंज से बाहर निकल गया था बिल्कुल। जैसे ये मैच आपने देखा ना, विराट कोहली ने 31 बनाए थे अभी 2 ओवर में, मतलब 3 ओवर में 48 ही थे, वैसा ही कुछ उसमें सीन था। डीके आते हैं, डीके पहले किसको मारते हैं, वो एक बॉलर का मुझे याद नहीं आ रहा नाम उनका, फास्ट बॉलर था, राइटी, बिल्कुल याद नहीं आ रहा नाम, बहुत अच्छा बॉलर था, तेज बॉलर,
उसको शायद डी के 22 रन मारते हैं, फिर लास्ट ओवर शायद सौम्य सरकार करता है, 10 रन चाहिए, 10 या 12 रन चाहिए रहते हैं, और विजय शंकर स्ट्राइक पर रहता है और कुछ चौका वौका निकलता है, फिर दौड़ते हैं, फिर ये होता है, फिर लास्ट बॉल में 5 चाहिए रहता है, डी के छक्का मार देता है। तो आप समझे कि किस तरीके से बांग्लादेश के साथ हमारे मैच फंसते हैं, तो होप कल ऐसा ना हो। हालांकि इन दो मैच में से तो ये भी है कि होता है यार ऐसा यार, बट इंडिया की टीम अभी अच्छे फॉर्म में दिख रही है, कल देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है?